लाइफ साइंस क्लास 10 पार्ट 3 जीवन की निरंतरता। आपके सामने एक प्रश्न है, क्या आपको इसका उत्तर पता है? कोशिका चक्र के एस दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं। समझाइए, डीएनए एवं आरएनए में अंतर स्पष्ट करो। तो चलिए उत्तर देखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। कोशिका चक्र के एस दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं। कोशिका वृद्धि, ये कोशिका चक्र देख लीजिए, कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन के समय होने वाले सभी परिवर्तनों को सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र के जी वन तथा जी टू फेज के बीच, आप देख रहे हैं जी वन और जी टू के बीच एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन या सिंथेसिस होता है, अर्थात माइटोसिस से पहले इंटरफेज के दौरान एस फेज होता है तथा डीएनए के संश्लेषण के लिए एस फेज की जिम्मेदार एक एस फेज ही जिम्मेदार होता है। यहाँ पर ही होगा। इस तरह एक कोशिका की अनुवांशिक सामग्री दोगुनी हो जाती है और पुत्री कोशिकाओं में विभाजन होने हेतु पर्याप्त डीएनए रहता है। अतः कोशिका चक्र के एस दशा को संश्लेषित दशा कहते हैं। एस दशा, डीएनए आरएनए में अंतर, लक्षण प्राप्ति स्थान, स्ट्रैंड की संख्या और नाइट्रोजनी क्षार। प्राप्ति स्थान डीएनए, केंद्रक माइटोकांड्रिया लवक आरएनए, राइबोसोम और कोशिका द्रव्य। स्ट्रैंड की संख्या डीएनए में दो, आरएनए एक। नाइट्रोजनी क्षार डीएनए, प्यूरीन एडेनिन गुआनिन पिरिमिडिन, प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन पिरिमिडिन साइटोसिन थायमिन, प्यूरीन एडेनिन गुआनिन पिरिमिडिन साइटोसिन यूरासिल। पूरा हुआ, धन्यवाद।